बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अदा फरमाए। नाज़रीन, मैं आज आगे बढ़ता हूँ और उससे बढ़ने से पहले हाँ, बेगम को कहूँगा सलाम करे, आपके लिए दुआएं करे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, इनकी दुआएं कबूल होती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई यकीन जाने के मैं पीछे आपको बताऊँ कि आपने शायद क्या कोई जो जिन भर मैंने वीडियो देखी उन्हें मालूम है इस बात का, मैंने इनसे दम कराया, खुद भी दम किया था लेकर गया तो इससे दम कराया, मेरे ना शहद ने काटा था यहाँ पर भी इनसे दम कराया, ये देखिए सोजिश भी नहीं चली और दर्द भी नहीं हुआ। ये देखे अल्लाह ने बड़ा फजल किया, अल्लाह ने शफा दे दी, दम इसने किया अल्लाह ने शफा दे दी। जब मैं अभी मुश्किल में होता हूँ मैं इनसे दुआएँ करवाता हूँ, मार पढ़ के दुआएँ करती है और अल्लाह फजल कर देते हैं, अपने खजाने से अपनी गैप से हमारी हेल्प हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता अल्लाह कहाँ कहाँ से इंतजाम कर देता है। तो नाज़रीन, आज हम आपसे आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे पास गिफ्ट आया है बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही प्यारा, उम्दा और लजीज, बहुत ही प्यारा, उम्दा और लजीज खूबसूरत गिफ्ट दुनिया माफिया में जो कुछ है उससे बेहतर, वो क्या है आए जी हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है जी हमारा गिफ्ट, अब हमने इसके टुकड़े किए हैं, ये खजूरों के दाने दो दो करके मिले थे, दो हजवे के थे और दो और खजूर किसी के थे, अब हमने इसके टुकड़े किए हैं गिफ्ट बना के, यानी कि ये जो है बच्चों को देंगे। हमारे हमसाए हैं एक माह कबल तकरीबन पहले जो है ना वो सुदेरा उम्र पर गए थे हमारे हमसाए, तो मैं जब उन्हें मुबारकबाद देने गया तो वहाँ पर अब दमदम तो मैं पी के आ गया उधर ही, और जो साथ में जो खजूरें दी वो मैं जेब में डाल के लेके आ गया, इसी बात के ऊपर कि आप दमदम जो है वो तो लेके आने के मैं नहीं आ सकता था, थोड़ा सा था यानी कि मैंने पी लिया दो घूट, अल्लाह उसमें बरकत दे, थोड़ा सा क्या हमारे लिए बहुत है बहुत है, मकसद ये कि मैं घर लेके नहीं आ सकता था, लेकिन ये जो थी खजूरें मैंने जेब में डाली और घर आया बच्चों के साथ बैठ कर, और यहाँ इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ताकि आप सबको देंगे इंशाल्लाह ये आपके सामने, ताकि बराबर सबको दिए जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जनाब और खजूर थी, ये आ गया हजवा खजूर, अल्लाह इसमें बरकत दे, आसानी अता फरमाए, इसी तरह हम सबको देंगे, एक उधर से एक उधर से, ठीक है जी, ये ताकि सबको एक साथ बराबर दिया जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते जाओ बेटा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। मेरा ये जो बेटा है ना बिलाल, इसको देख रहे हैं अब सर्दी शुरू होगी, ये बीमार होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए दुआ करनी है अल्लाह ताला शिफा दे, और अल्लाह इसी हजवे से इसको शिफा दे दे अपने खजाने से। और रहा अहमद गुल, हाँ ये कमज़ोर है पढ़ने के हवाले से, इसके लिए दुआ करनी है अल्लाह से ये पढ़े जी। अब मेरी रह गई बेगम, पहले देना चाहिए था इससे माजरत, और इसको हजवे के दो दाने देंगे, एक ये दे दिया एक और देंगे जी। अब हमारा वकर उसे दे दिया, हजवा नहीं दिया ना, हजवा दिए, हजवा अपने वाले दिए, अच्छा जी ये जी, चलो जी ये ले। अब मैं रहता हूँ जी, मैं खुद भी लूंगा और मेरी बड़ी बेटी जिसने कैमरा पकड़ा वो भी लेगी इंशाल्लाह। ये दो दाने बच गए हजवे के ज्यादा है, उसमें से हम करते हैं तकसीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह माफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। सबको नमना कह दी मुझे और दो हजवे का दाना, इसी तरह ये भी हजवे का दाना बेगम को, और ये भी हजवे का दाना हमारा अबू बकर, ठीक है जी। अब जो है पीछे दाने कम हो गए हैं, लिहाजा एक दाना हम देते हैं अपनी, ये जो अहमद डंडी मारता है दुआ करना इसके लिए, अल्लाह इसको अक्ल दे शऊर दे ताकि ये पढ़ सके। अब ये दाने बच के हमारी बड़ी बेटी के लिए वो लेगी, बाकी हम इजाजत चाहते हैं आपसे, बाय बाय करते हैं, आप हमारे साथ रहे। और सूरत ये कि मैं आपको एक और अहम बात बताऊँ, आज हम बेगम मेरी 5 दिनों के बाद आई है, देखिए हम एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, घर में खुशहाली रौनक आई है, बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से उसकी मेहरबानियाँ,
लेकिन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश कि हमारे चैनल को जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर आप सब करें, मेहरबानी करके सब शेयर करें। हम दुआएं देते रहेंगे, बाकी हमारा कोई जोर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट ही है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।